हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे एनसीईआरटी या फिर आरबीएससी क्लास 11th ज्योग्राफी सब्जेक्ट, और ज्योग्राफी में अपना जो चैप्टर चल रहेगा वो चलेगा चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम होगा सौर विकिरण, उष्मा संतुलन और तापमान। आज इस लेक्चर में अपन पढ़ेंगे सौर विकिरण के बारे में। सौर विकिरण क्या होती है, इसे किस किस नाम से जाना जाता है, कितनी मात्रा में ये प्राप्त होती है, और पृथ्वी पर अलग अलग भागों में जो सौर विकिरण प्राप्त होता है वो अलग अलग कितना होता है और क्यों होता है, इन सब के बारे में आज अपन इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले, स्टार्ट करने से पहले अपन ये समझ लेते हैं कि हम जहाँ रहते हैं, हम पृथ्वी पर रहते हैं और पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल का, वायु का एक पुलिंदा है, वायु चारों ओर से पृथ्वी को घेरे हुए हैं, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। इस जब सूर्य की किरणें सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचती है तो उसे वायुमंडल से होकर गुजरना पड़ता है, और वायुमंडल से होकर जब वो गुजरती है तो उस सूर्य ताप का बहुत अधिक भाग क्या हो जाता है, रास्ते में ही क्या हो जाता है, क्षीण हो जाता है, समाप्त हो जाता है, बहुत कम अंश पृथ्वी तक पहुँच पाता है। दूसरा कि जो पृथ्वी पर अधिकतम जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो सूर्य ताप या सूर्य की जो आगामी सौर विकिरण होती है, जिसे हम लघु तरंग दीर्घ भी कहते हैं, उससे प्राप्त होती है। इसके अलावा पृथ्वी पर एकमात्र ऊर्जा का स्रोत भी क्या है, सूर्य है। यानी कि पृथ्वी पर जितनी भी ऊर्जा प्राप्त होती है उसका एकमात्र स्रोत अपन क्या किसे कह सकते हैं, सूर्य को कह सकते हैं। चलो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले सौर विकिरण क्या होता है। सौर विकिरण होता है पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा का अधिकतम अंश सूर्य की लघु तरंग दीर्घ के रूप में होता है। एक चीज ध्यान रखना, ये क्या है आपकी पृथ्वी है और ये क्या है सूर्य है। सूर्य से जो पृथ्वी पर जो किरणें आ रही है, इसे हम कहते हैं लघु तरंग दीर्घ, इसे ही हम कहते हैं सौर विकिरण, इसे ही हम कहते हैं सूर्य ताप। क्या कहते हैं, सूर्य ताप। अब पृथ्वी जब सूर्य की किरणों को ग्रहण करती है, पृथ्वी सूर्य की किरणों को ग्रहण करके उष्मा प्राप्त कर लेती है, और इस उष्मा को क्या करती है दोस्तों, वापस अंतरिक्ष में रिफ्लेक्ट करती है। यानी कि पृथ्वी सूर्य से जितनी ऊर्जा प्राप्त करती है उस ऊर्जा को, संपूर्ण ऊर्जा को वापस विकिरित कर देती है, अपने पास में बिल्कुल भी नहीं रखती। तो जितनी ऊर्जा पृथ्वी प्राप्त कर रही है उस ऊर्जा को क्या करेगी, अंतरिक्ष में वापस रिफ्लेक्ट करेगी। जो वापस जाने वाली जो तरंगे होगी, ऊर्जा की जो वापस जाने वाली तरंगे होगी, इसे हम कहेंगे दीर्घ तरंग दीर्घ। क्या कहेंगे, दीर्घ तरंग दीर्घ, याद रखना है। इसके अलावा इसे हम कहेंगे पार्थिव विकिरण। क्या कहेंगे, पार्थिव विकिरण, कहेंगे, है ना। तो इसे हम दीर्घ तरंग दीर्घ कहेंगे और पार्थिव विकिरण, यानी कि जो पृथ्वी से वापस अंतरिक्ष की ओर जा रही है, इस उष्मा को, इन तरंगों को हम पार्थिव विकिरण के नाम से जानेंगे। तो ये तो समझ में आ गया होगा कि पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा का अधिकतम अंश कहाँ से प्राप्त होता है, किस रूप में प्राप्त होता है, लघु तरंग दीर्घ के रूप में प्राप्त होता है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, आगामी सौर विकिरण। क्या कहते हैं, आगामी सौर विकिरण, ये लोग आगामी सौर विकिरण या फिर सूर्य ताप कहते हैं, इंग्लिश में इसे आइसोलेशन कहा जाता है। आगे देखते हैं, पृथ्वी पर औसतन जो सूर्य ताप प्राप्त होता है वो एक वर्ग मीटर में 1.94 कैलोरी प्रति मिनट प्राप्त होता है। समझ रहे हो, यानी कि एक मिनट में एक वर्ग मीटर पर 1.94 जो कैलोरी है वो ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसे कि मान लीजिए पृथ्वी का हिस्सा है और ये क्षेत्र क्या है, एक वर्ग मीटर, इस एक वर्ग मीटर में एक मिनट में जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो कितनी होती है, 1.94 कैलोरी, ये याद रखना है आपको। फिर इसके बाद में देखते हैं, पृथ्वी के सूर्य की परिक्रमण के दौरान दो स्थितियां बनती हैं। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाती है, जानते हो आप लोग, लगाती है क्या, लगाती है, कितने समय में पूरा करती है बताइए, देखिए कितने समय में पृथ्वी जो है सूर्य के एक परिक्रमा लगाने में पूरा कितना समय लेती है, कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरे को। तो जब पृथ्वी सूर्य की क्या करती है, परिक्रमा, ये आपका क्या है, सूर्य, और पृथ्वी एक अंडाकार कक्ष में क्या करती है, सूर्य की परिक्रमा करती है। एक अंडाकार कक्ष में, कैसा कक्ष है इसका बताओ, ये क्या है, पृथ्वी,
पृथ्वी का कक्ष कैसा होगा? अंडाकार, यानी कि एक अंडे की आकृति के रास्ते पर पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है। जब ये परिक्रमा पूरी करती है तो इस परिक्रमा को पूरा करते समय दो अलग अलग स्थितियां बनती है, और वो दो अलग स्थितियां कौन कौन सी है? उपसौर और अपसौर। अब ये उपसौर और अपसौर क्या होता है दोस्तों? जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे तो हम कहते हैं उपसौर, और जब पृथ्वी अपनी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है, यानी कि पृथ्वी सूर्य के सबसे पास में होती है, उसे हम कहते हैं उपसौर। यानी कि जब पृथ्वी, ये जैसे मान लीजिए यहाँ पर पृथ्वी अधिकतम दूरी पर है, ये क्या है? पृथ्वी। और अधिकतम दूरी कितनी है बताइए? अधिकतम दूरी होगी 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर। कितनी होगी? 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर। और एक स्थिति कैसी होगी जब पृथ्वी क्या होगी, चलो यहाँ पर बना लेते हैं, जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम दूरी पर होगी, और ये निकटतम दूरी कितनी होगी? 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर। 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर, यानी कि जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में दूरी ज्यादा है, ये दूरी ज्यादा कब होती है? 4 जुलाई को। कब होती है? 4 जुलाई को। और पृथ्वी सबसे पास में कब होती है? 3 जनवरी को। कब होती है? 3 जनवरी को। याद रखना है, पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, अधिकतम दूरी पर 4 जुलाई को होती है, और इस स्थिति को क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसौर। और जब कम यानी कि न्यूनतम दूरी होगी तो इस स्थिति को क्या कहेंगे? उपसौर कहेंगे। बस ये दोनों चीज आपको याद रखनी है। पृथ्वी अपने परिक्रमण के दौरान जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, अर्थात 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर, जो कब बनती है स्थिति? ये स्थिति बनती है आपकी 4 जुलाई को, जो अधिकतम दूरी पर होती है 4 जुलाई को, और इस स्थिति को हम अपसौर कहते हैं। और पृथ्वी जब सूर्य के नज़दीक आ जाती है तब दूरी होती है 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर, और यह कब होता है? 3 जनवरी को, और इसे क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। अब एक चीज़ आपके दिमाग में आ रही होगी, अगर आप समझ रहे हो तो दिमाग में क्या आ रही होगी कि सर पृथ्वी जो है वो सूर्य से अधिकतम दूरी पर कब होती है? 4 जुलाई को। तो अधिकतम दूरी पर होती है तो कम सूर्य ताप प्राप्त होना चाहिए, क्लियर है क्या? अगर जैसे मान लीजिए आप किसी आग के पास में बैठे हो, तो आग के जितने पास में होंगे ताप उतना ही ज़्यादा आएगा ना, दूर जितने रहेंगे ताप उतना ही कम आएगा ना। तो ये एक आग है और पृथ्वी इससे अधिकतम दूरी पर 4 जुलाई को है, तो मतलब इस टाइम पे आइसोलेशन यानी कि सूर्य ताप कम प्राप्त होना चाहिए, और यहाँ पर इस समय पर ज़्यादा सूर्य ताप प्राप्त होना चाहिए, है ना? लेकिन स्थितियाँ आपके दिमाग में उल्टी आ रही है, सर 4 जुलाई को गर्मी ज़्यादा रहती है, 3 जनवरी को क्या होती है? सर्दी ज़्यादा रहती है। तो दोनों चीज़ें आपको समझनी है कि आप जो देख रहे हैं, आप ये भी देखिए कि 4 जुलाई को सूर्य लंबवत कहाँ चमकता है? मकर रेखा पर। सूर्य लंबवत कहाँ रहता है? दक्षिणी गोलार्ध में। अपन कहाँ रहते हैं? उत्तरी गोलार्ध में, क्लियर है? अगर मान लीजिए अगर ये स्थिति विपरीत होती और 3 जनवरी को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य लंबवत चमकता तो अपने यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लग जाती और बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ने लग जाती, दोनों स्थितियाँ विपरीत हो जाती। इसलिए बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा सर्दी बचने की स्थिति में क्या बनती है? अपसौर और उपसौर। यानी कि 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, लेकिन इस टाइम पर सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में लंबवत चमक रहा होता है। कहाँ पर? उत्तरी गोलार्ध में लंबवत चमक रहा होता है, और यहाँ पर इस समय पर 3 जनवरी को दक्षिणी गोलार्ध में लंबवत चमक रहा होता है। इसलिए हमें क्या लगता है, एहसास होता है कि जुलाई में क्या होती है? अपनी गर्मी होती है, जनवरी में क्या होती है? सर्दी होती है। लेकिन आप इसको विपरीत देखिएगा, आप ये दिमाग मत लगा लीजिएगा कि जुलाई में पृथ्वी सूर्य से दूर रहेगी तो मतलब क्या होगा? सूर्य ताप कम प्राप्त होगा। तो आप कहीं 3 जनवरी को क्या कर दो? अपसौर कर दो, और 14 जुलाई को क्या कर दो? उपसौर कर दो। ऐसा नहीं करना है, आपको इसे समझना है। तो ये दो स्थितियां बन गई, कौन कौन सी? अपसौर और उपसौर। अब आगे चलते हैं, पृथ्वी की सतह पर सूर्य ताप में भिन्नता के कारण। पृथ्वी की सतह पर सूर्य का ताप हर जगह इक्वल नहीं पड़ता, यानी कि पूरी पृथ्वी जो है ना उस पर सूर्य का ताप
पूरी पृथ्वी पर एक समान नहीं पड़ता। पड़ता है क्या बताइए आप लोग? नहीं पड़ता। ध्रुवों पर कम पड़ता है, विश्वत व्रत पर ज्यादा पड़ता है। तो इस भिन्नता के कारण क्या है, कौन कौन से कारण है जिससे सूर्य पृथ्वी पर, जिससे मान लीजिए ये आपका पृथ्वी है, पृथ्वी का सतह, और इधर से क्या आ रही है, सौर विकिरण आ रही है, यानी कि सूर्य का ताप आ रहा है। तो यहाँ पर सूर्य ताप कम प्राप्त होता है, यहाँ पर ज्यादा प्राप्त होता है। तो सूर्य ताप की भिन्नता के कारण अपन देखते हैं। पहला कारण है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो उससे क्या होता है, दिन और रात बनते हैं। साथ ही जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 66.5 डिग्री झुकी हुई है, जिसकी वजह से क्या होता है, सूर्य ताप में भिन्नता आती है। दूसरा कारण क्या है, सूर्य की किरणों का नतिकोण। आप इसको समझिए, सूर्य की किरणों का नतिकोण। देखिए, नतिकोण का मतलब होता है जैसे सूर्य की किरणें यहाँ से यहाँ पर गिर रही है, तो बताइए कितने डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना। और सूर्य की किरणें कोई यहाँ से आ रही है, जैसे मान लीजिए, और यहाँ पे जो है वो यहाँ पे इनका मिलन हो रहा है, तो यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 0 डिग्री का, 0 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो जितना अधिक नति कोण बनता है सूर्य ताप उतना ही ज्यादा प्राप्त होता है। आप इसे ऐसे समझिए, एक बाल्टी पानी की भरिए, और एक बाल्टी पानी की भरने के बाद में क्या करें, इसे जमीन पर उडेल दीजिए। जमीन पर उडेलेंगे, एक उडेलने का तरीका, एक तो ऐसे फेंकेंगे और एक बिल्कुल सीधा सीधा करेंगे। देखो, ऐसे फेंकने का मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पर सूर्य की किरणें अगर पड़ रही है तो आप बताइए एक सरफेस ऐसा है जिस पर सूर्य की किरणें ऐसे आ रही है, तो बताओ ये इतनी जगह घेर रही है, इतनी दूर में फैल रही है, जबकि एक सरफेस ऐसा है जिस पर सूर्य की किरणें ऐसे गिर, बिल्कुल सीधी गिर रही है, तो बहुत कम क्षेत्र को घेर रही है। अब बहुत ज़्यादा क्षेत्र को घेरेगी तो क्या करेगी, उसका ताप बट जाएगा, और अगर बहुत कम क्षेत्र को घेर रही है तो उसका ताप बटेगा नहीं, एक ही बिंदु पर पड़ेगा, जिससे क्या होगा, यहाँ पर तापमान ज़्यादा और यहाँ पर तापमान कम होगा। अब उस बाल्टी वाले पानी के उदाहरण अपन देखते हैं कि जब वो बाल्टी पानी का आप नीचे डाल रहे हो तो एक तो उसे फैलाकर डाल रहे हो और एक क्या कर रहे हो, उसे सीधा सीधा डाल रहे हो। तो आप बताओ कि जो आपने पानी को फैलाकर डाला या जो सीधा डाला, ज़्यादा जगह किसने घेरी, ज़्यादा जगह घेरी होगी जिसने आपने फैलाकर डाला होगा। लेकिन गीला ज़्यादा कहाँ पर हुआ, गीला ज़्यादा हुआ जहाँ पर आपने एक जगह डाला। तो यही है कि जब सूर्य की किरणें यहाँ पर क्या होती है, ज़्यादा दूरी को घेरती है, ज्यादा जगह को घेरती है, और ज्यादा जगह को घेरेगी तो बताओ क्या होगा, तापमान कम होगा, है ना। और यहां पर कम जगह को घेर रही है, सीधी पड़ रही है इसलिए कम जगह को घेर रही है, इसलिए यहां पर तापमान बहुत ज्यादा प्राप्त होगा यहां की तुलना में। समझ में आ गया? तो ये सूर्य की नति, सूर्य की किरणों का नति कोण। तो विषुवत वृत्त पर ये 90 डिग्री का बनता है, जबकि ध्रुवों पर, पोलर रीजन पर ये 0 डिग्री का बनता है। इससे भी क्या होता है, सूर्य ताप में भिन्नता आती है। दिन की अवधि, तीसरा पॉइंट आता है आपका दिन की अवधि। दिन की अवधि अगर ज़्यादा होगी तो सूर्य ताप भी ज़्यादा प्राप्त होगा। जैसे गर्मियों में अपने उत्तरी गोलार्ध में जहाँ पे हम रहते हैं, कहाँ रहते हैं, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में रहते हैं ना अपन। भारत की स्थिति ग्लोब में कहाँ पर है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। तो यहाँ पर गर्मियों में अभी इस टाइम पर, जैसे जून जुलाई की बात करें, तो दिन की अवधि लंबी होती है। क्यों? क्योंकि सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमक रहा होता है और कर्क रेखा अपने बिल्कुल पास से गुजरती है। तो जब दिन की अवधि ज़्यादा होगी तो क्या होगा, सूर्य ताप भी ज़्यादा प्राप्त होगा। और अगर जो सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध में चली जाएगी तो दक्षिणी गोलार्ध में जाने पर क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में तो दिन हो जाएंगे छोटे और दक्षिणी गोलार्ध में दिन हो जाएंगे बड़े। समझ में आ रहा है? यानी कि जब सूर्य, जैसे मान लीजिए आपका ये ग्लोब था, ये पृथ्वी थी, इसको हमने दो भागों में बांट दिया, ऊपर वाला क्या हो गया, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला क्या हो गया, दक्षिणी गोलार्ध। जब सूर्य की किरणें यहां पर लंबवत चमकती है, यहां पर सीधी चमकती है, तो यहां पे दिन की अवधि क्या होगी, लंबी होगी। दिन क्या होगा, लंबा होगा, है ना। और अगर सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में लंबवत चमक रही है तो फिर यहाँ पर दिन की अवधि लंबी हो जाती है। तो यानी कि जब उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें लंबवत चमक रही होती है, तब दक्षिणी गोलार्ध में रातें लंबी और दिन छोटे होते हैं, और विपरीत इसकी स्थिति बन जाती है जब सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में लंबवत चमकती है, तो यहाँ पर फिर क्या हो जाते हैं, दिन छोटे और रातें लंबी हो जाती है। मतलब जब उत्तरी गोलार्ध में चमकता है तब यहाँ गर्मी की ऋतु, यहाँ सर्दी की ऋतु रहती है, जब
यहां लंबवत चमकता है, तो यहां पे सर्दी की ऋतु और यहां पर गर्मी की ऋतु रहती है। ये चीज समझ में आ गया आप लोगों को कि किस तरीके से दिन की अवधि जो है वो सूर्य की ताप को प्रभावित करती है। अब आपको पता होगा कि सूर्य की किरणें जो है, सूर्य की जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो सूर्य की किरणें पूरे वर्ष में अलग अलग जगह पर अलग अलग सीधी पड़ती है। यानी कि अगर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की बात करें तो ये कौन सी है, कर्क रेखा, और ये कौन सी है, मकर रेखा। सही है, कर्क रेखा और नीचे वाली कौन सी है, मकर रेखा। तो कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें 21 जून को सबसे लंबी चमकती है, सबसे सीधी कब चमकती है, 21 जून को। और मकर रेखा पर कब चमकती है, 22 दिसंबर को। कब चमकती है, 22 दिसंबर को। फिर विषुवत वृत्त पर कब चमकेगी, विषुवत वृत्त पर चमकेगी 21 मार्च और 23 सितंबर को। यानी कि वर्ष में दो बार सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर लंबवत चमकती है। देखिए यहां पर सूर्य है, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर है, तो कर्क रेखा पर सबसे लंबा दिन होगा, क्लियर है ना, और सबसे छोटा दिन कहां होगा, 22 मकर रेखा पर, है ना। तो जब सूर्य की किरणें 21 जून से यहां आएगी तो 4 महीने का टाइम लग जाता है, जून से जुलाई अगस्त सितंबर, जून जुलाई अगस्त सितंबर, और लगभग ये 23 सितंबर को यहाँ आ जाता है, फिर 23 सितंबर से फिर वही टाइम और 22 दिसंबर को यहाँ पर आ जाएगा, फिर वापस जाएगा तो 21 मार्च को यहाँ पर आ जाएगा और फिर 21 जून को यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि एक वर्ष में विषुवत वृत्त पर दो बार सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। तो दिन की अवधि भी क्या करती है, सूर्य ताप को प्रभावित करती है। अब आगे आता है वायुमंडल की पारदर्शिता। एक तो वायुमंडल, जब सूर्य की किरणें वायुमंडल से होकर गुजरती है, तो वायुमंडल से होकर गुजरती है तो क्या होता है, देखो दोस्तों कुछ चीजों का फर्क पड़ता है। अभी अपन ने नति कोण देखा कि सूर्य की किरणों का नति कोण, तो नति कोण कहाँ पे जीधा बन रहा था, विषुवत वृत्त पर, कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। अब जैसे मान लीजिए ये आपका वायुमंडल है, इस तरीके से वायुमंडल है पृथ्वी के चारों ओर, और ये पृथ्वी की सतह है। अब आप बताइए एक किरण यहाँ से आ रही है, एक किरण सूर्य की यहाँ से आ रही है और इस तरीके से इस पृथ्वी पर गिर रही है, एक सूर्य की किरण यहाँ से आके यहाँ पे गिर रही है, नति कोण का दूसरा प्रभाव अपन देख रहे हैं। तो बताइए वायुमंडल से ज़्यादा दूरी तय करने वाली किरणें कौन सी है, इसको इतनी दूरी तय करनी पड़ी है वायुमंडल में और इसको इतनी दूरी तय करनी पड़ी है वायुमंडल में। तो ज़्यादा दूरी तय कौन सी कर रही है, ये वाली कर रही है। जब ये वाली ज़्यादा दूरी तय कर रही है तो वायुमंडल में क्या होता है, वायुमंडल में जलवाष्प होता है, अपने पिछले चैप्टर में पढ़ा। इसके अलावा धूल के कण होते हैं, जलवाष्प होता है, इसके अलावा बहुत सारी ओजोन परत की लेयर होती है और बहुत सारी अन्य गैसें होती हैं। तो ये गैसें, धूल कण या जलवाष्प क्या करते हैं, इस सूर्य ताप को रोक लेते हैं। तो सूर्य ताप को रोक लेते हैं तो सूर्य ताप पृथ्वी पर कम पहुंच पाता है। तो जहां पर वायुमंडल कम दूरी तय करेगी वायुमंडल में, वहां पर सूर्य ताप ज्यादा प्राप्त होगा, और जहां पे ज्यादा दूरी तय करेगी वायुमंडल में, वहां पर सूर्य ताप कम प्राप्त होगा। समझ रहे हो आप लोग। तो सूर्य एक तो वायुमंडल में दूरी ज्यादा तय करेगी ना सूर्य की किरणें, तो उनका टेम्परेचर घट जाएगा, क्योंकि वायुमंडल में ही ऊष्मा का क्या हो जाएगी, क्षति हो जाएगी, ऊष्मा को रोक लिया जाएगा वायुमंडल में ही। तो एक नति कोण का देखो एक प्रभाव यह भी पड़ता है। मैंने कहा था सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी तो कम जगह गिरेगी, और कम जगह गिरेगी तो तापमान ज्यादा रहेगा, और सूर्य की किरणें अगर ज्यादा लेट कर गिरेगी यानी कि फैल कर गिरेगी तो वहां पर तापमान कम प्राप्त होगा। दूसरा नति कोण का प्रभाव यह भी है कि यहां पर जहां पर नति कोण अधिक बनता है वहां पर सूर्य की किरणों को वायुमंडल से बहुत कम मार्ग तय करना पड़ता है, जबकि जहां पर नति कोण कम बढ़ता है वहां पर सूर्य की किरणों को वायुमंडल में बहुत अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, इसलिए ऊष्मा का क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है और सूर्य ताप में भिन्नता आ जाती है। अब एक वायुमंडल की पारदर्शिता, सीधा सा मैंने भी बताया कि वायुमंडल में जलवाष्प होते हैं, डस्ट पार्टिकल होते हैं यानी कि धूल के कण होते हैं, है ना, वाटर वेपर होते हैं, जलवाष्प होता है, तो ये क्या करते हैं, सूर्य की किरणों को रोक लेते हैं। सूर्य की किरणों को रोककर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या होता है, धूल के कण है, अब सूर्य की किरणें आ रही तो धूल के कणों से टकरा रही है, तो इनका क्या हो गया, प्रकीर्ण हो गई, ये फैल गई, तो फैलकर क्या होगी, इसका तापमान कम हो जाएगा,
है ना। तो जहाँ पर क्या होगा, जलवाष्प ज़्यादा होगा, जहाँ पर धूल के कण ज़्यादा होंगे वहाँ पर सूर्य का ताप कम पहुँच पाएगा, और जहाँ पर जलवाष्प ज़्यादा होगा, धूल के कण ज़्यादा होंगे, तो वहाँ पर सूर्य ताप बहुत कम पहुँच पाएगा, और जहाँ पर नहीं होंगे वहाँ पर सूर्य ताप बहुत ज़्यादा पहुँच पाएगा। आपने देखा होगा कि गर्मियों के टाइम पर बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है और अचानक से बादल आ जाते हैं, तो सूर्य जो है बादल के पीछे छिप जाता है, यानी कि बादल जो होते हैं वो सूर्य के ताप को रोक लेते हैं और पृथ्वी पर छांव हो जाती है। तो ये वाटर जो बादल वगैरह है, जलवाष्प है, ये सूर्य की किरणों को रोकने का काम करते हैं। और मैंने एक ये भी बताया था पिछले वीडियो में कि ये जो धूल कण और जो ये जलवाष्प है, इसके कारण हमें आसमान में जो है अलग अलग रंग दिखाई देते हैं, लालिमा छाई हुई दिखाई देती है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय। वो किसकी वजह से दिखाई देती है? धूल के कणों की वजह से। और आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? वो जलवाष्प की वजह से। आगे आ गए अपन, तो पारदर्शिता का मतलब क्या हो गया? वायुमंडल की पारदर्शिता, मतलब वायुमंडल में कितने डस्ट पार्टिकल है या नहीं है, वायुमंडल में कितना वाटर वेपर यानी कि जलवाष्प है या नहीं है। अगर होगा तो सूर्य ताप कम प्राप्त होगा, अगर नहीं है तो सूर्य ताप ज़्यादा प्राप्त होगा। तीसरा था स्थल विन्यास। स्थल विन्यास का मतलब होता है स्थल का स्थिति कैसी है, धरातल पर जो धरातल है उसकी स्थिति कैसी है। अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई पर्वत है, तो यहाँ पर जो सूर्य की किरणें पड़ रही है, तो इस साइड में क्या होगा, सूर्य ताप ज़्यादा प्राप्त होगा और इस साइड में सूर्य ताप कम प्राप्त होगा। तो स्थल विन्यास भी क्या करता है, पृथ्वी पर सूर्य ताप की भिन्नता को प्रभावित करता है। तो ये कारण थे जिसकी वजह से पृथ्वी पर सूर्य का ताप अलग अलग पहुँच पाता है। वैसे अगर अपन एवरेज देखें तो कितना पहुँचता है, 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग मीटर प्रति मिनट में सूर्य का ताप पहुँच पाता है। तो ये इनका क्या हो गया, भिन्नता हो गई। अब देखते हैं पृथ्वी की सतह पर सूर्य ताप का वितरण। भिन्नता के कारण अपन ने समझ लिया कि कहाँ पर सूर्य ताप ज़्यादा प्राप्त होता है, कहाँ पर कम प्राप्त होता है, क्यों प्राप्त होता है ऐसा, इसके कारण ये है। अब आप मुझे बताइए कि बताओ सूर्य का ताप यहाँ ज़्यादा प्राप्त होता है या यहाँ ज़्यादा प्राप्त होता है। ये क्या है आपका, ये है आपका पृथ्वी की सतह है। तो मैं यहाँ पर देखिए, ध्रुवों पर सूर्य ताप जो है 70 वाट प्रति वर्ग मीटर प्राप्त होता है। ध्रुव कौन से हो गए, ऊपर वाला नीचे वाला बिंदु, है ना, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो यहाँ पर सूर्य ताप बहुत कम पहुँच पाता है, 70 वाट प्रति वर्ग मीटर और यहाँ पर ज़्यादा प्राप्त होता है, कितना है, 320 वाट प्रति वर्ग मीटर, समझ रहे हो। अब इसका कारण सीधा सा है, वितरण तो हो गया, अब सीधा सा कारण यह है, अपन ने ऊपर पढ़ लिए थे कि यहाँ पर ज़्यादा और यहाँ पर कम क्यों है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य का नतिकोण अधिक होता है, सूर्य की किरणों को वायुमंडल से कम दूरी तय करनी पड़ती है, इसलिए सूर्य ताप का ह्रास कम होता है और पृथ्वी पर ज़्यादा पहुँचता है। इधर सूर्य का नतिकोण कम बनता है, इसके अलावा वायुमंडल से होकर ज़्यादा गुजरना पड़ता है, सूर्य की किरणें ज़्यादा जगह घेर लेती है, फैल जाती है, इसलिए यहाँ पर सूर्य ताप कम प्राप्त होता है। समझ गए आप लोग। इसके अलावा एक चीज आप देखिए, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ये कौन सा बेल्ट हो गया, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, तो यहां पर सूर्य ताप अधिक प्राप्त होता है, जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों में सूर्य ताप कम प्राप्त होता है, चाहे आप उत्तरी ध्रुव की बात करें चाहे दक्षिणी ध्रुव की बात करें। दूसरा, वायुमंडल जहां पे समुद्र होंगे, जहां पे सागर महासागर होंगे, एक बिंदु देखो, जैसे मान लीजिए यहां पर क्या है आपका, महासागर है, और इसके पास में यहां पर क्या है, धरातल है, तो धरातल पर सूर्य ताप यानी कि महाद्वीपों पर सूर्य ताप ज्यादा प्राप्त होता है, जबकि महासागरों पर सूर्य ताप कम प्राप्त होता है। महासागरों पर सूर्य ताप कम प्राप्त क्यों होता है, कारण क्या है इसका? दोस्तों, वायुमंडल जो किसी भी जगह का ऊपर का जो वायुमंडल है, वहाँ पर जलवाष्प की मात्रा कहाँ पर होगी, जलवाष्प की मात्रा होगी सर महासागरों के ऊपर। क्यों? क्योंकि जब सूर्य की किरणें पड़ रही है तो इवेपोरेशन की जो क्रिया चल रही है, यानी कि जो जल वाष्पीकृत होकर उड़ रहा है, तो वो महाद्वीपों से तो उड़ नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पर तो जल है ही नहीं ना, उड़ेगा कहाँ का, महासागरों का। तो महासागरों से जल ऊपर की ओर उठेगा और वायुमंडल में छा जाएगा। अब वायुमंडल में जहाँ पर छाएगा तो सूर्य की किरणों को रोकने में काम करेगा। अभी मैंने कहा ना कि जहां पे बादल होते हैं तो छांव हो जाती है पृथ्वी पर, तो महासागरों के ऊपर ज्यादा बादल बनते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, बादल ज्यादा कहां बनते हैं, महासागरों के ऊपर। क्यों बनते हैं? क्योंकि वहां पर पानी है, और पानी होगा तो वाष्पीकरण ज्यादा होगा, तो बादल महासागरों के ऊपर ज्यादा बनेंगे और महाद्वीपों के ऊपर कम बनेंगे, यानी कि मेगाच्छादन
ज़्यादा कहाँ पर होगा? महासागरों पर। और मेगा छायादान अगर महासागरों पर ज़्यादा होगा तो बताइए सूर्य ताप कहाँ ज़्यादा प्राप्त होगा? महाद्वीपों पर प्राप्त होगा सर, क्योंकि महासागरों के ऊपर तो बादल है ना, तो सूर्य ताप को रोकेंगे, और महाद्वीपों के ऊपर बादल है ही नहीं तो वहाँ पर सूर्य ताप आसानी से आएगा। तो महासागरों पर सूर्य ताप कम प्राप्त होता है जबकि महाद्वीपीय क्षेत्रों पर सूर्य ताप ज़्यादा प्राप्त होता है। दूसरा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सूर्य ताप कम ज़्यादा प्राप्त होता है और ध्रुवीय क्षेत्रों में सूर्य ताप कम प्राप्त होता है। ये आज का कॉन्सेप्ट था जो हमने पढ़ा सौर विकिरण के बारे में, यानी कि लघु तरंग, दैर्ध्य, सौर विकिरण, इसके अलावा आइसोलेशन, सूर्य ताप के बारे में। कितना सूर्य ताप प्राप्त होता है, किस तरीके से प्राप्त होता है, कौन से क्षेत्रों में कम, कौन से क्षेत्रों में ज़्यादा प्राप्त होता है, और ये कम और ज़्यादा प्राप्त होने के कारण क्या है, ये आज के लेक्चर में हमने समझा। आगे वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे जो ऊष्मा संतुलन है, है ना, जो हीट बजट है पृथ्वी का या वायुमंडल का जो ऊष्मा संतुलन है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।